इमरान खान की गिरफ्तारी की पूरी तैयारी, पुलिस का भरपूर एक्शन, लाठीचार्ज, शदीद चैलेंज और वेटर कैनन का इस्तेमाल। पुलिस ने जमान पार्क को फिर जंग का मैदान बना दिया, इलाके को धुएं से भर दिया, सांस लेना मुश्किल कर दिया। पुलिस दोपहर को पहुंची तो कारकुन दीवार बन गए। पहले वाटर कैनन से कारकुनों को धोया, फिर लाठीचार्ज और शेलिंग करके पीछे धकेल दिया। मुतादित कारकुन गिरफ्तार, कई की हालत खराब हो गई। मुश्तेल कारकुन पथराव भी करते रहे। इमरान खान की रिहायशगाह में भी शदीद शेलिंग की गई, घर में धुआं ही धुआं फैल गया। शेलिंग से कैंपों में आतिशबाजी, जमान पार्क के गिर्दोनवाह में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। पुलिस ने जेल रोड, अंडरपास, मॉल रोड, अंडरपास और धर्मपुरा अंडरपास बंद कर दिए। मॉल से कैनाल रोड से आने वाले तमाम रास्ते ब्लॉक। गिरफ्तारी का नोटिस वसूल कराने के लिए अफसरान प्लेकार्ड ले आए। पुलिस ने हिकमत अमली तब्दील की, रात के अंधेरे में ऑपरेशन का फैसला, स्ट्रीट लाइट्स बंद करके इलाके में अंधेरा कर दिया गया। पुलिस की शेलिंग जारी, कारकुनों का पथराव। इमरान खान को गिरफ्तार करके हेलीकॉप्टर के जरिए मुंतकिल किया जाएगा। हेलीकॉप्टर जमान पार के गिर्द चक्कर भी लगाता। जेल जाऊं या मार दिया जाऊं, आपने जद्दोजहद जारी रखनी है। इमरान खान का कौम के नाम पैगाम, कहा पुलिस जेल में ले जाने के लिए आई है। उनका ख्याल है इमरान खान जेल चला गया तो कौम सो जाएगी। आपने इन्हें गलत साबित करना है। अपने हकूक और आजादी के लिए जद्दोजहद करनी है, बाहर निकलना है। आपकी जंग लड़ रहा हूँ। आपने चोरों की और फैसला करने वाले एक आदमी की गुलामी कबूल नहीं करनी। पीटीआई ने मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी। फवाद चौधरी ने अपील की, लोग जहां जिस शहर में हैं बाहर निकलें। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में मजीद दो मुकदमा दर्ज। इमरान खान के खिलाफ वारंट अदालतों ने निकाले हैं। अदालती अहकामात पर इंतजामिया अमल ना करे तो फिर क्या करे। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, मैंने इमरान खान के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनाया। इमरान खान के खिलाफ कानून हरकत में आया। इमरान खान ने अपने हवारियों के साथ मिलकर हमें दीवार से लगाने की कोशिश की। वक्त की रौनक से डरना चाहिए। आज वो कहता है मैं 72 साल का हूं, टांग टूटी हुई है। इमरान खान ने हमेशा गिरफ्तारी से बचने की भरपूर कोशिश की, बीमारी और बुजुर्गी का सहारा ढूंढ रहे हैं। अदलिया के खिलाफ इंतहाई मजमूम गुफ्तगू की गई। स्कूल जाना होता है ना तो बच्चा जमीन पर लेट कर रोना शुरू कर देता है कि मैंने स्कूल नहीं जाना, मेरे पेट में दर्द होती है। ये कहता है मैंने अदालत नहीं जाना, मेरी टांग टूटी हुई है। अपने जमान पाक वाले घर में नीचे बुलेट प्रूफ कमरा बनाया है कि कहीं पुलिस मुझे पकड़ के ना ले जाए। कोई लीडर गिरफ्तारी के डर से छुप के बैठा हो कभी सुना? ऐसा नहीं हो सकता। नवाज शरीफ सजाएं भुगते, इमरान खान भागता फिरे, जो मुश्किल से डर जाए वो लीडर नहीं गीदड़ है। मरियम नवाज की ललकार, वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में इमरान खान को बुजदिल करार दे दिया। मुतालबा किया, पहले तराजू के पलड़े बराबर करो, सुबह इलेक्शन करा दो। नून लीग को कोई एतराज नहीं, इलेक्शन आने वाला है। नून लीग इलेक्शन लड़ने नहीं जीतने के लिए मैदान में उतर चुकी है। नून लीग ने कभी कारकुनों को अपनी ढाल नहीं बनाया। नवाज शरीफ ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कभी उम्र या बीमारी का बहाना नहीं बनाया। नवाज शरीफ के खिलाफ कायम तमाम मुकदमे झूठे थे। जिले शाह जाते जाते इस फितने को बेनकाब कर गया। इमरान खान ने बादशाह सलामत बनकर जिले शाह के वालिद की तजलील की। खून खराबा नहीं चाहते, हमसे बात करें, बाहमी मुशावरत से रास्ता निकालने को तैयार हैं। शाह महमूद कुरैशी की पेशकश, कहा कारकुनान पर बिला जवाज तशद्दुद किया गया, कानून हाथ में लिया ना लेंगे, पुलिस खौफ और हिरास न फैलाए, हमने दोबारा अपना जलसा मुलतवी किया, अदालतों का सहारा लिया। शिबली फराज बोले, तोशाखाना केस में इमरान खान की 18 मार्च को पेशी है, समझ नहीं आई पुलिस 5 दिन पहले क्यों आ गई। वारंट पर पता बनी गाला का लिखा है, ये लाहौर पहुंच गए, हम कानूनी जंग लड़ेंगे, कानूनी तरीके से जवाब देंगे। इमरान खान की वासे हिदायत है कि कोई भी तशद्दुद से जवाब नहीं देगा। बड़ी कुर्सी पर छोटे लोगों को बिठा दिया गया। नून लीग के पांव उखड़ चुके, मीनार पाकिस्तान पर तारीख का बड़ा जलसा करेंगे। परवेज इलाही कहते हैं, नून लीग की हर कारिस्तानी उल्टी पड़ रही है। तोशाखाना इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। अदालत ने 1990 का रिकॉर्ड मांगा, रिकॉर्ड खुल गया तो शरीफ फैमिली के चारों तबक रोशन हो जाएंगे। पाकिस्तान और आईएमएफ के मामला चंद रोज में तय हो जाएंगे, अमेरिका ने बता दिया।
पाकिस्तान में अमरीकी सफीर जॉनल्ड ब्लूम ने कहा, अमरीका पाकिस्तान और IMF में मुआहदा चाहता है, पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत करते हैं, मामले पर पाकिस्तान के साथ तआवुन को तैयार हैं। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खतरात का सामना है, रवां हफ्ते इंतहाई अहम है। पाकिस्तान में एनर्जी डायलॉग होने वाला है, जुमेरात को दोनों ममालिक में मौसमियात पर मुज़ाकरात होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा, पाक अफगान सरहद पर अगले मोर्चों पर गए, फौजी जवानों से मिले, वाना में यादगार शहादा पर फूल चढ़ाए। आर्मी चीफ ने कहा कि शहादा की कुर्बानियां रायगान नहीं जाएंगी, पाकिस्तान में मुकम्मल अम वापस आएगा। तोशाखाना की मौजें खत्म, गाड़ियां, जेवरात, घड़ियां और कीमती तहाइफ लेने पर पाबंदी आयद, नई पाबंदी और पॉलिसी फौरी नाफिजुलअमल होगी। सदर, वजीर आजम, काबीना अरकान, जजेस, सिविल और मिलिट्री अफसरान कैश बतौर तोहफा वसूल नहीं करेंगे। मजबूरन कैश तोहफा वसूल करने पर पूरी रकम फौरी कौमी खजाने में जमा कराना होगी। गाड़ियां, सेंट्रल पोल और कीमती नवादरात सरकारी मकामात पर सजाए जाएंगे। $300 से महंगे तहाइफ ओपन ऑक्शन के जरिए आवाम भी खरीदने के मजाज होंगे। सदर और वजीर आजम के अलावा कोई भी अपने अहले खाना के लिए तहाइफ वसूल नहीं कर सकेगा।